नारी शिक्षा पर अधिक जोर देने की जरूरत है। इसमें प्रगति भी हुई है, मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में हम पूरे देश को साक्षर बनाने में सफल होंगे। लाला अपनी फसल से सूद और मूल काट कर जो थोड़ा बचता है हमें दे देता है। तो भैया ये तो रही लाला की फसल, हम करें इसकी पहरेदार। आप एक काम करो। हाँ बेटा। आप अपनी फसल इस बार सरकारी कृषि उपज मंडी को बेचो। अरे भैया, जब तेरे को पैसे की जरूरत थी तो आंखें नीचे से ऊपर नहीं होती थी है? अब आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है। लाला तुमसे कर्जा लिया है, जितना लिया है उससे ज्यादा सूद दे चुका हूँ, फिर चलू किस बात से जो आके झुका के बात करूं। ओ लाला, धमकी मत दियो, चल अपना रास्ता ना चल। जाओ लाला जाओ, जो हुआ सो हुआ, हम पढ़ लिख गए हैं, अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं पढ़ाया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए जितनी लगन है, जो जिज्ञासा है, उसे मुझे पहचानना चाहिए था। हमें तो लगता है भैया जी ने दूसरी शादी कर ली शहर में। मौसी, मौसी, मौसी। माँ, तुम्हें पक्का यकीन था कि पिताजी ने शहर में दूसरी शादी कर ली है? बेयकीनी की कोई वजह ही नहीं थी। हरिया काका खुद अपनी आंखों से देखकर आए थे और शपथ उठाकर कह रहे थे। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। जो शहर से आता एक नई कहानी लेकर आता। माजी तो जैसे बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, सारा दिन बैठी बैठी लोरी गुनगुनाती रहती। चंदा मामा दूर के बुए फकाए फूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई तू, प्याली गई तू, मुन्ना गया रूठ। घर से निकलती नहीं हूँ, सोचा हम ही मिले आए। अरे हम गांव वालों को तो फर्ज बनता है तुम्हारे लिए। आपके सिवा हमारा और कौन है भाभी, आइए बैठिए। मौसी तुम सास बहू तो लगता है सारी दुनिया से नाता तोड़ बैठी हो। अरे बेटा नालायक निकला तो क्या हुआ, हम गांव वाले तो हैं। अरे पड़ोसी दुख सुख में काम आते हैं मौसी। हाँ अब तुम लोगों का ही तो आसरा रह गया है। अरे मौसी कहती हो मगर मानती नहीं हूँ, अगर मानती तो अपनी जैसे उसको अंदर नहीं बैठाए रखती। मेरा तो देख देख के दिल जलता रहता है, कैसा पत्थर दिल आदमी है, ऐसी फूल से बीबी और ऐसी देवी जैसी माँ को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया, कौन से शहरी मेम के तलुए चाट रहा है। अरे मौसी हरिया कह रहा था उस औरत को देखा है, भौजी के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। अरे मौसी सुना है वो मर्दों जैसे कपड़ा डालती है, छी छी सुनकर लाज आती है। कैसे आना हुआ राधा, कुछ काम था तुझे? अरे मौसी तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तुमसे मिलने को दिल करा तो मौसी चली आई। अरे मौसी ये खेत से ताजी ताजी सब्जी लेकर आई हूँ, सोचा मौसी का दे दूंगी, ये लो भौजी सब्जी।
अरे मौसी, आपके पास भैया जी के कोई खबर आई? नहीं। कैसा बेशरम है, कोई पैसा वैसा भेजता या नहीं? कहा ना नहीं। हाय भैया, ना ऐसा आदमी देखा है और ना सुना है जिसको फिक्र ही नहीं है। बूढ़ी माँ और जवान बीबी को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया, किसके सहारे जियोगे? और सुना है मौसी, भौजी के पांव भारी है बेचारी। अब हम यहां नहीं रहेंगे बेटी, हम कहीं भी चले जाएंगे। कहां जाएंगे आज? किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई जानता ना हो। उससे क्या होगा माँ जी, उससे हमारा रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। अरे रिश्ता तो उसने कब का खत्म कर दिया, अब उसे जिलाए रखने से क्या फायदा? ऐसा मत कहिए माँ जी, ऐसा मत कहिए, वो आपके बेटे। अरे बेटा है इसीलिए तो कह रही हूँ, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई तुझे ताने देने वाला ना हो। माँ जी, जो अगर वो कभी लौट आए तो? तुझे अभी भी उम्मीद है कि वो लौट के आएगा? नहीं आएगा बेटी, नहीं आएगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। तो फिर चल मेरे साथ, तुझे ऐसे घुट घुट के मरते देख नहीं सकती मैं। देख बेटी, अगर तू मेरे साथ नहीं जाना चाहती ना, तो तेरे बाबा आए थे तो अपने मायके ही चली जा। नहीं माँ जी, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो चल चल फिर मेरे साथ कहीं चल बेटी। गांव छोड़ देने से क्या होगा माँ जी, हमारा आती तो हमारा दामन नहीं छोड़ेगा। कल को लोग उससे मेरे बच्चे के पिता का नाम पूछेंगे, मेरे पति का नाम पूछेंगे, आपके बेटे का नाम पूछेंगे। पूछेंगे ना तो कह देंगे मर गया वो। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, ईश्वर करे उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। माँ जी आप जहाँ कहेंगी ना मैं आपके साथ चलूंगी, पर आप ऐसा मत कहिए माँ जी। उसके बाद तेरी दादी ने गांव की सारी जमीन जायदाद बेच दी और अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास यहां इस गांव में चली आई। जमीन बेचकर जो पैसा मिला था उससे हमने ये मकान खरीद लिया और एक छोटी सी डेयरी खोल ली। फिर तू हमारे बीच आ गया और हम अपने सारे दुख दर्द भूल गए। लेकिन माँ, पिताजी, उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली आपको? एक उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि हमारे गांव छोड़ने के बाद वो गांव में आए थे, मगर उन्हें वहां अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। एक बात बताओ माँ, तुम्हें अच्छा लगा था यूं गांव से चले आना? गांव में थी ना तो एक हल्की सी उम्मीद थी, शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद शायद वो उस औरत को छोड़कर वापस लौट आए। लेकिन तेरी दादी बहुत स्वाभिमानी थी बेटे, उन्हें अपने बेटे से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, वो बहुत आहत हो गई थी और मुझे उनके साथ गांव छोड़कर आना पड़ा। निरक्षरता मेरे लिए एक अभिशाप बनकर आई थी, इसलिए मैंने इसके खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया। जब हम इस गांव में आए थे ना तो गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, निरक्षर थे, बच्चों को खासकर लड़कियों को तो स्कूल बिल्कुल नहीं भेजते थे। तेरी दादी ने और मैंने मिलकर लोगों को स्कूल में भर्ती कराया, लोगों को पढ़ाया, पढ़ने की प्रेरणा दी और अब तो गांव के काफी सारे लोग पढ़ लिख गए हैं। तेरी दादी ने और मैंने जो काम शुरू किया था, धीरे धीरे उसमें सारा गांव शामिल हो गया। लेकिन अब मैं बहुत थक गई हूं राहुल।
तुमने जो काम शुरू किया है ना माँ, उसे मैं पूरा करूंगा। मैं साबित कर दूंगा माँ कि अगर इंसान में संकल्प शक्ति हो और कुछ करने का मादा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे यकीन है अब तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी। अच्छा चलो अब सो जाओ। ये सो गए? अभी तक सोई नहीं हो? अरे आ गया आप ही का इंतजार कर रही थी। चलो खाना लगा लो। हाँ चलो। तुमने खाना खाया? नहीं तो पर क्या बात है, आजकल बड़ा ख्याल रखने लगे हो। पूछते हो कि खाना खाया कि नहीं। दारू भी कम कर दी है, पहले से जुबान भी कुछ ज्यादा मीठी हो गई है आपकी। बात यह सोनू की अम्मा कि अब तुम पढ़ने लिखने लगी हो, चार पढ़े लिखो में उठती बैठती हो। अगर मैं कड़वी जुबान बोलूंगा, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊंगा, तो तुम मुझ पर मुकदमा नहीं कर दोगी? हटो जी, क्यों मजाक करते हो? पर ये बात तो है, पढ़े लिखे की इज्जत बहुत है। अब अपने आप को ही देख लो, पहले कभी इंसान समझा था मुझे? जब जी चाहे दारू पीकर आ जाते थे और पीट देते थे। तू भी तो पहले सिर्फ लड़ती रहती थी, तभी तो मीठे बोल बोले थे इस घर में। हाँ ये बात तो है, ये पढ़ाई लिखाई इंसान को इंसान बना देती है, वरना इसके बिना तो इंसान इंसान नहीं नीरा जानवर है। और ये बात हमारी अब समझ में आई है, इस शिक्षा ने तो हम औरतों का रुतबा ही बढ़ा दिया है। क्यों नहीं, अब तो तुम प्रधानमंत्री होगी हो इस घर की। हटो जी, इतना थोड़ा सा ज्ञान अगर हमें इतनी खुशियां दे सकता है तो उन लड़कियों की कितनी इज्जत होती होगी जो खूब पढ़ी लिखी है। वो तो है, अपने स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टरनी को देख ले, फिर दूर क्यों जाती है, गायत्री देवी की मसाल ले ले। मैंने तो सोच लिया है, अपनी बेटियों को मैं खूब पढ़ाऊंगी, उन्हें इस काबिल बनाऊंगी कि वो अपनी बात कह सके, घर के बाहर के सभी लोग उनकी बात सुने, उस पर गौर करें, जैसे दीदिया डॉक्टर जी की बात पर करते हैं वैसे ही। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुझको और बच्चियों को। मेहनत का नतीजा जब सामने हो और हम उसे सबक ना लें, तो हमसे भला कोई और मूर्ख होगा क्या? मैं कम इन सर। जी आइए आइए जी, बैठिए। सर ये जिला साक्षरता समिति की स्मारिका छपकर आ गई है। अच्छा लाइए, देखें तो सही। सही लगता है, इस इलाके में साक्षरता मिशन के काम काफी तेजी से चल रहे हैं। जी हाँ सर, और कुछ इलाके में तो जबरदस्त काम हुआ सर, खासतौर पे महिलाओं में। देखिए ये जरूरी भी है, मेरा तो ये मानना है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार शिक्षित होगा। जी, तो ऐसे में उसकी अपने परिवार में और समाज में उसकी स्थिति बेहतर होगी, और फिर जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उसकी भागीदारी बढ़ेगी। जी हाँ सर, शिक्षित महिला की बात हर जगह सुनी जाती है, घर में भी और बाहर भी। हाँ ये तो है, और आजकल महिलाएं इस बात को अच्छी तरह से समझने भी लगी हैं। आप वो बात कर रहे थे ना किसी प्रोग्राम में जाने की, किसी साक्षरता समिति के प्रोग्राम? जी सर, अगले ही हफ्ते है वो प्रोग्राम। जिला साक्षरता समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आप कुछ कार्यकर्ताओं को वहां सम्मानित भी करेंगे। चलिए अच्छा है, इसी बहाने सभी लोगों से एक साथ मुलाकात हो जाएगी। ये वही है ना गायत्री देवी धनौल्टी वाली? जी, पिछले हफ्ते तो मिलकर आए हैं साहब आप। हाँ मिला तो था मैंने उसे, पर इन्हें देख नहीं पाया था, घूंघट में थी। गायत्री देवी और घूंघट में, क्या बात कर रहे हैं साहब, आपको धोखा हुआ है, किसी और से मिले होंगे आप। उनको तो जिले का बच्चा बच्चा जानता है सर, आप नए हैं ना इसलिए नहीं जानते, कुछ दिनों में आप भी जान जाएंगे सर। कमाल की औरत है सर,
खुद अकेले अपने दम पर घर घर जाकर औरतों और बच्चों को लेकर स्कूल आती हैं, जबकि खुद अनपढ़ थी और आज इन्हीं की बदौलत पूरा गांव शिक्षित है। महिलाओं के लिए बहुत से काम शुरू करवाए इन्होंने। इस इलाके में महिलाओं की स्थिति में जो भी सुधार हुआ है उसका काफी श्रेय इन्हीं को जाता है। आप तो जिला सत्र पर ही इनको सम्मानित कर रहे हैं, मगर हमारी तरफ से इनका नाम राष्ट्रीय सम्मान के लिए भी प्रस्तावित किया गया। सर क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। और कौन कौन है इनके घर? एक बेटा है सर। बस? नहीं, एक बूढ़ी माँ थी पर कुछ साल पहले वो गुजर गई है। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। जी सर। अरे हाथ में दिया लेकर भी सारी दुनिया ढूंढेगा ना तो भी नहीं मिलेगी ऐसी बहू। तुम भी किस जमाने की बात कर रही हो? ना मैं उसे जानता हूँ ना कभी मैंने उसकी शक्ल सूरत देखी है, और तुम कह रही हो मैं उसे ब्याह के घर ले आऊं। अरे ब्याह तो तेरा हो चुका। रही शक्ल सूरत की बात, तेरी अच्छी से अच्छी शहर वालियों पे भारी पड़ेगी वो। भारी तो तुम ऐसे कह रही हो अम्मा, जैसे तराजू में तौल कर लाना है उसे। रे अपनी शहर वाली के मुकाबले में तोल कर भी देख ले, ऐसी रूप और गुण वाली मिल जाए ना तो कहना। अम्मा तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमने मुझे शहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी कर रहा हूँ मैं। तुम जानती नहीं हो अम्मा, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा अफसर बन गया है, लोग कितनी इज्जत करते हैं उसकी। तो बहू को घर में लाने से तेरी इज्जत पे भट्टा लग जाएगा क्या? इतना बड़ा हो गया तू, अपनी माँ से भी बड़ा। जानता है इतना बड़ा हुआ कैसे? दिन रात अपनी हड्डियां गलाती रही तुझे बड़ा करने के लिए। तो मैंने इससे कब इनकार किया अम्मा? मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी तपस्या का फल है, लेकिन अब तुम्हारे दुख के दिन कट गए अम्मा। हाँ क्या कर रही हो यहाँ गांव में? मेरे साथ शहर चलो। हाँ? और ये जमीन और जायदाद बेच दो, नहीं तो फिर बटाई पे तो काम होता ही है यहाँ। अरे तो मुझे इस जमीन को बेचने को कह रहा है जिसकी फसल की कमाई से मैंने तुझे पाला है? देख देवेंद्र, मैंने तुझे जन्म जरूर दिया है लेकिन तेरा शरीर इसी जमीन की मिट्टी से बना है। अब तू कुछ बन गया है तो ये तेरे किसी काम की नहीं। कल को मैं भी काम की नहीं रहूंगी तो मुझे भी बेच दे। मैं तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे भी शहर जाने की क्या जरूरत है, भगवान का दिया बहुत है और तेरी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई है। अब तू शहर वहर का चक्कर छोड़, गांव में बच्चों के लिए स्कूल डलवा देते हैं, पुण्य का पुण्य हो जाएगा और तेरे करने के लिए काम भी। मैं तुझे खेत में हल चलाने को नहीं कहूंगी। खेत का काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो हंस रहा है तू? हंसने की तो बात है अम्मा, तुम मुझे गांव का स्कूल चलाने के लिए कह रही हो? मुझे? जानती हूँ अम्मा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा अफसर है, अफसर। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो ये जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है और तू मेरी बात नहीं टालेगा। और अगर टाल दूँ तो? तो मैं अभी के अभी संख्या खा के सो जाऊंगी। अम्मा ये कैसी जिद हुई? गायत्री बेहद सुशील और गुणवान लड़की है। जब तू इतना सा था ना तेरे बाबा ने तुझे गोद में बिठा कर उससे फेरे दिलवाए थे, तब तो बड़ी जिद करता था अम्मा मेरी पत्नी लाओ। अम्मा वो शादी नहीं थी, गुड्डे गुड़ियों का खेल था। बेटा जरा सोच, तेरे इंतजार में वो लड़की बच्ची से जवान हो गई, अब तू पढ़ लिख गया है, तेरी नौकरी भी अच्छी है भगवान की कृपा से, और समझी भी चाहते हैं कि हम बहू को घर ले आए। एक बात बताओ अम्मा, तुम्हें अपने लिए बहू चाहिए या मेरे लिए दुल्हन? तुझे दुल्हन नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन मुझे बहू ला के दे। सोच लो अम्मा,
तुम्हारी ये जिद बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसे अपने साथ शहर नहीं ले जाने वाला। अरे तू ला तो सही, बाकी बाद में देखेंगे। दैया रे दैया बने को नजर लागी, दैया रे दैया बने को नजर लागी, मैं डिबिया का जल की लेके भागी, मैं डिबिया का जल की लेके भागी, गले बना दे मेरी तरफ देखो। बात नहीं करोगे मुझसे? अच्छा अच्छा, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, मां ने दिया तुम्हारे लिए, देखो तो सही। शर्म आ रही है? ठीक ही कहा था, चांद का टुकड़ा हो, आंखें खोलो ना। सर, सर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस जरा सिर में दर्द है। क्यों, कोई जरूरी फाइल थी? नहीं सर, इतनी जरूरी नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, कोई जरूरी काम हो तो घर पे फोन कर लेना। जी रुक्मणी, अब कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं दीदी, कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। मैंने नहीं, शिक्षा ने। अच्छा बोल, क्या कहने आई थी? ये कुछ पैसे रख लीजिए। मैं क्या करूं? कल बैंक में खाता खुलवा दीजिएगा। अब लेकिन ये आए कहां से? कुछ तो इन्होंने दिए थे खर्चे के लिए, उसमें से बचा लिए, और सारा दिन खाली बैठे बैठे मैंने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सोचती हूँ थोड़ा पैसा जुट जाएगा, लड़कियों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उनके काम आएगा। तो प्रीतम से कहती वो जमा करा देगा? उनसे कहा तो था जी, वो बोला तुम पढ़ लिख गई हो, तुम्हारी पूंजी है, तुम ही जमा करा दो। अच्छा ठीक है, लाओ कल खाता खुलवा दूंगी। अभी तुम चलो, कक्षा के लिए देर हो रही है, मैं भी आती हूँ। खाने लगा दो साहब। आराम गोपाल, खाना लगा दो, और हाँ तुम जाके सो जाओ, मैं बाद में अपने आप खा लूंगा।
जी सर। अम्मा ये क्या किया तुमने? मैंने जो किया ठीक किया। कब से बुला रही हूँ तुझे, खाना खा ले। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, देखो अम्मा मुझे भूख नहीं है, तुम एक काम करो, तुम जाके खाना खा लो और सो जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। हाँ तू खा लेगा मुझे पता है, चल मेरे साथ। अम्मा अम्मा ये क्या जिद कर रही हो तुम? हाँ लगता है ये जिद करने की आदत तुझे मुझसे ही मिली है। चल आ जा, जूता उतार, फटाफट आ जा अंदर। रोटी भी ठंडी होगी। खाने में क्या बनाया? ये देख तेरी मर्जी की चीज बनाई है, खाएगा तो पता लगेगा। ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती अम्मा, नहीं जा सकती। Thank you.